लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। शहर के पास एकलिंगपुरा गांव के मुख्य मार्ग पर रविवार रात करीब 1:30 बजे घर पर अकेली 70 साल की वृद्धा के साथ लूट की घटना हुई है। दीवार में छेद कर कमरे में घुसे लुटेरों ने झुमके निकालने के लिए निर्दयता से वृद्धा के कान खींचे, जिससे कान कट गए। फिर पैर में से कड़े लेने के लिए पैर काटने ही वाले थे कि वृद्धा ने कमरे की जमीन में गड़े जेवरों के बारे में बताया। लुटेरे जमीन को खोद करीब 5 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी के जेवर लूटकर भाग गए। बाद में वृद्धा के चिल्लाने पर लोग एकत्र हुए। पुलिस ने बताया कि एकलिंगपुरा निवासी उदी बाई पत्नी कन्नाजी के साथ लूट की वारदात हुई है। उदी के 3 बेटे हैं, जिसमें एक बेटे का मकान पास में, एक का सामने और एक खेता गांव में रहता है। वृद्धा घटना वाले घर में 1 साल से अकेली रह रही है। रात को लुटेरे सरकारी स्कूल की दीवार फांदकर घर के पीछे बने कमरे में घुसे। वहां पर पेचकस से दीवार में छेद किया। जिस कमरे में वृद्धा थी उसमें 2 लुटेरे घुसे। संभावना है कि वहीं 3 लुटेरे पीछे कमरे में खड़े थे और 2 आगे कमरे के बाहर। लुटेरों ने झुमके निकालने के लिए वृद्धा दोनों कान खींचे, जिससे कान कट गए। बाद में जमीन में गड़े हुए सोने चांदी के जेवर लूटकर भाग गए। लुटेरों ने भागते हुए कमरा बाहर से बंद कर दिया था। वृद्धा के चिल्लाने पर पास ही घर पर सोए पोते देवीलाल ने सभी को उठाया। करीब 2:30 बजे लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में पुलिस मौके पहुंची।